दुनिया भर में दहशत फैलाने के बाद मंकी पॉक्स ने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले केस की पुष्टि हो चुकी है। यूएई से केरला लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद उस शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स के 6000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 70 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। इनमें से ज्यादातर मामले यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप के हैं। अब ये बीमारी चर्चा में क्यों है, हम आपको तफसील से बताते हैं। मई के महीने में एक शख्स मिडिल क्लास अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया से यूके पहुंचा तो उसमें इस बीमारी के लक्षण थे। जांच की गई तो उस शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि हुई। इसके बाद ये वायरस सिंगापुर, कनाडा, यूएई, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में पहुंचा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मंकी पॉक्स क्या बला है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स क्या कम थे जो अब ये नई बीमारी आ गई है। तो हम आपको बता दें कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। मंकी पॉक्स एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसके ज्यादातर मामले सेंट्रल या वेस्टर्न अफ्रीकन देशों में मिलते हैं। ये वायरस जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी। 1950 के दौरान वैज्ञानिक कुछ बंदरों पर दवाओं और वैक्सीन का प्रयोग कर रहे थे। ये वायरस उन बंदरों में पाया गया था और जब इंसान इन बंदरों के संपर्क में आए तो ये वायरस उन तक भी पहुंच गया। अब ये वायरस अफ्रीकी देशों से निकलकर दुनिया भर के कई देशों में फैल चुका है। अब बात करें इसके नाम में पॉक्स क्यों जुड़ा है, तो आपको बता दें कि इस वायरस से होने वाले पॉक्स काफी हद तक स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये स्मॉल पॉक्स की तरह संक्रामक नहीं है, यानी तेजी से नहीं फैलता। साथ ही ये वायरस जानलेवा भी नहीं है। फिर भी इससे संक्रमित 100 में से 3 से 6 मरीजों की जान चली जाती है, यानी इसका फर्टिलिटी रेट भी 3-6% है। अब बात करें इसके शुरुआती लक्षणों की, तो इस वायरस का अटैक होने पर मांसपेशियों में दर्द, तेज सिर दर्द, शरीर में सूजन और गले के साथ साथ हल्का बुखार हो सकता है। शुरुआती दिनों में शरीर में छाले या चकते नहीं दिखते, लेकिन 3-4 दिनों के बाद शरीर में रैश पड़ने लगते हैं जो बाद में फफोले या पॉक्स में बदल जाते हैं। ये फफोले 8-10 दिनों में अलग अलग स्टेज से होते हुए खत्म हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट को पूरी तरह ठीक होने में 3-4 हफ्तों का वक्त लग जाता है। WHO के मुताबिक अब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन या कारगर दवाई नहीं बनाई गई है, लेकिन इसका इलाज स्मॉल पॉक्स खत्म करने के लिए बनाई गई वैक्सीन से किया जा रहा है, जो कि काफी असरदार भी है। नई वैक्सीन पर अभी प्रयोग चल रहे हैं। अभी हाल ही में वैक्सीन को अप्रूव किया गया है। अब बात करें मंकी पॉक्स के इलाज की, तो बाकी वायरल बीमारियों की तरह ही इलाज किया जाता है। मरीज को पैरासिटामोल की गोलियां दी जाती है ताकि बुखार ना आए। मरीज के शरीर में फ्लूइड की पर्याप्त मात्रा बनी रहनी चाहिए, यानी पानी, जूस और छाछ पीते रहना चाहिए। मरीज अगर घर में है तो उसे आइसोलेट करना जरूरी होता है ताकि उसके संपर्क में घर के दूसरे सदस्य ना आए। मरीज की बेडशीट, बर्तन और इस्तेमाल किए गए कपड़ों को अलग रखना चाहिए। जरूरत के मुताबिक मरीज के कमरे को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर बात की जाए तो उस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्कता और जागरूकता जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी संक्रामक नहीं और ना ही जानलेवा है। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।